नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर आपको बताते हैं पूरी घटना है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर इलाके की एक रिहायशी कॉलोनी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों ने घरों के बाहर एक तेंदुए को टहलता देखा। रिहायशी इलाके में तेंदुए को देखे जाने की सूचना लोगों ने वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और तेंदुए की तलाश में जुट गई, तो वहीं इलाके में तेंदुआ घूमने की घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद के राजनगर के राजकुंज इलाके में जीडीए उपाध्यक्ष के आवास के पास एक तेंदुआ सड़क पर टहलता हुआ देखा गया। वहीं मिली सूचना के मुताबिक तेंदुआ जीडीए उपाध्यक्ष के जनरेटर कक्ष में घुस गया। तभी वहां मौजूद एक कर्मी जब जनरेटर चालू करने गया, तभी तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। हालांकि चीख सुनकर उसके सहकर्मी वहां पहुंच गए और तेंदुए को लाठियों से पीटा, जिसके बाद वो पेड़ पर चढ़कर संस्थान के परिसर में घुस गया। गौरतलब है कि जिला अधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में तेंदुआ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आवास में देखा गया था। वन विभाग के 5 दल तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर इसकी सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गई है। इसके पहले गाजियाबाद के वैशाली और भोरपुरा में भी तेंदुआ देखा जा चुका है। हालांकि वन विभाग की टीम इस तेंदुए को खोजने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उन्हें सफलता नहीं मिल पाई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।